और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। राजस्थान ओलंपिक संघ ने लिया है बड़ा फैसला। राजस्थान कबड्डी संघ की मान्यता खत्म की और नेशनल गेम्स में महिला कबड्डी टीम ने किया था बहिष्कार। ऐसे में राजस्थान ओलंपिक संघ ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आपकी टीवी स्क्रीन पर, राजस्थान आपको दिखा रहा है, राजस्थान ओलंपिक संघ ने ये बड़ा फैसला लिया। राजस्थान कबड्डी संघ की मान्यता खत्म की है। बता दें कि नेशनल गेम्स में महिला कबड्डी टीम ने बहिष्कार किया था। ऐसे में राजस्थान ओलंपिक संघ ने यह फैसला लिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ललित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, जिस तरह से राजस्थान ओलंपिक संघ ने यह बड़ा फैसला लिया है, ये काफी चौंकाने वाला है। जी बिल्कुल खुशबू, आपको बता कि राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन ने जो राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन है उस पर एक बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई इसलिए की है कि जो 36वें नेशनल गेम गुजरात में आयोजित हुए थे उसमें राजस्थान की जो महिला कबड्डी टीम थी, ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसने अपनी प्रतियोगिता का बायकट किया था, विरोध के चलते उन्होंने विरोध जताया था, विरोध के बाद बायकट करते हुए खेलने से इनकार कर दिया गया था। इससे पहले राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से इनको नोटिस जारी किया गया था, राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन को, लेकिन इस नोटिस के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आने पर चेयरमैन अनिल व्यास ने इस राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन है उसकी सदस्यता को रद्द करने का फैसला लिया है। राजस्थान के खेलों के इतिहास में ये बड़ी खबर है क्योंकि किसी भी एसोसिएशन की मान्यता रद्द करना अपने आप में एक बड़ी चीज होती है क्योंकि महिला कबड्डी द्वारा। एक तरफ तो देखा जा रहा है कि राजस्थान में लगी हुई सरकार की खेलों को बढ़ावा दिया जाए, दूसरी तरफ जो है ये फैसला काफी चौंकाने वाला है कि राजस्थान कबड्डी संघ की मान्यता खत्म कर दी। ऐसे में जाहिर तौर पर खिलाड़ियों में भी रोष देखा जाएगा। खुशबू, खिलाड़ियों के रोष की बात नहीं करते, खेल एक जो आदर्श होता है उसकी निशान होती है, खिलाड़ी को हमेशा खेल भाव से खेलना चाहिए। 36वें नेशनल गेम्स जो गुजरात में हुए थे उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार राजस्थान की महिला कबड्डी टीम ने विरोध किया था। देखो किसी भी टीम के द्वारा विरोध दर्ज कराना ये उनका अधिकार होता है, लेकिन खेलों से बायकट करना ये उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसको लेकर कबड्डी जो एसोसिएशन थी उसको नोटिस भी जारी किया गया था क्योंकि ये कबड्डी एसोसिएशन का दायित्व होता है कि यदि किसी भी टूर्नामेंट में इस प्रकार का कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो एसोसिएशन उसको अपने स्तर पर सुलझाए। लेकिन कबड्डी टीम द्वारा किसी भी प्रतियोगिता, जो नेशनल प्रतियोगिता हो रही है राजस्थान के बाहर हो रही है, गुजरात में प्रतियोगिता हो रही थी, और उसका बायकट करना, खेलने से मना करना, ये कहीं ना कहीं एक भावना की। ललित, दर्शक एक बार जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो है ये बहिष्कार जो हुआ था उसको पूरी तरह से विस्तार से बताइए कि महिला जो खिलाड़ी थी, महिला कबड्डी टीम जो थी, उन्होंने क्यों जो है इसका बहिष्कार किया था जिसके बाद ऐसा निर्णय लिया गया। बिल्कुल खुशबू, आपको बता दें कि जो 36वें नेशनल गेम्स गुजरात में आयोजित हुए थे उसमें महिला कबड्डी टीम द्वारा खेलों को लेकर कुछ आपत्ति जताई गई थी, जिसमें कुछ पॉइंट्स की भी दिक्कत सामने आई थी। इसको लेकर उन्होंने ऑफिशियल से उनको आपत्ति जताई थी, लिखित में शिकायत भी दी गई थी, लेकिन जो अगला मैच था उसको खेलने से इनकार कर दिया था। इस दौरान कबड्डी टीम से कई बार जो ऑफिशियल थे उन्होंने समझाइश भी की थी, कई बार वार्ता भी चली थी, ये भी कहा गया था कि आपने जो आपत्ति दी है उसका निस्तारण किया जाएगा, कमेटी के पास भेज दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी महिला कबड्डी टीम मानी नहीं थी और उन्होंने जो खेल है उसका बायकट किया था, जिसके चलते एसोसिएशन को नोटिस जारी किया गया था और अब राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा कबड्डी एसोसिएशन की मान्यता रद्द की गई है। ललित, ऐसे में आगे क्या कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान ओलंपिक संघ ने तो ये फैसला ले लिया, लेकिन जाहिर तौर पर जो है कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला, धक्का लगाने वाला फैसला है, और इसमें आगे जो है क्या कर सकते हैं संघ, क्या कर सकता है, क्या कदम उठा सकता है, उनके पास क्या राइट है? देखो खुशबू, अभी तक संघ के किसी भी पदाधिकारी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। ऐसे में इस मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, जब तक राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन के पदाधिकारियों से वार्ता नहीं हो जाती है आगे के वो क्या स्टेप लेंगे, इस जो सदस्यता रद्द की गई है उसको कहाँ चैलेंज किया जाएगा, इसको लेकर अभी मंथन होना है ओलंपिक एसोसिएशन में। मंथन होगा ललित, इस पर नजर बनाए रखिएगा और खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।